क्लास 10th सप्लीमेंट्री रीडर का ये 5th चैप्टर, इसके लास्ट पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें। द फीलिंग एमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कास्ड बाई विच क्राफ्ट। पड़ोसियों को ऐसा लगता था कि यह मुसीबत किसी जादू टोने टोटके के कारण हुआ है। बट विच क्राफ्ट आर नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं। फिर न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैंस होम बिकेम नोन। जब पादरी के घर पर की गई चोरी का पता लोगों को पता चला, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो उस विचित्र वैज्ञानिक पर उस घटना में ज़्यादा होने का ज़्यादा शक किया गया, सस्पेक्ट किया गया, संदेह किया गया। द सस्पिशन ग्रू इवन इवन स्ट्रांगर, संदेह और भी अधिक बढ़ गया। वेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने अचानक नगद पैसे पेश किए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। यद्यपि उसने कुछ समय पहले ही यह कबूल किया था, स्वीकार किया था कि उसके पास कोई पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलाया गया। सेंट फॉर मीन्स कॉल्ड। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, तो सिपाही का इंतजार करने के बजाय मिसेज हाल वेंट टू द साइंटिस्ट, श्रीमती हाल वैज्ञानिक के पास गई। हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपियर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किसी तरह से रहस्यपूर्ण ढंग से अपने खाली कमरे में प्रकट हो गया था। श्रीमती हाल ने कहा, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स। कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या खिलवाड़ कर रहे थे। शी डिमांडेड, ऐसा उन्होंने पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार खाली कमरे में आ गए, खाली कमरे के बाहर आ गए और ताला लगे कमरे में कैसे घुस आए। ये ग्रिफिन जो हेडलेस है, अब सब लोग इसी पर नज़रें गड़ाए हुए हैं, सब देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वैज्ञानिक हमेशा तेज तर्रार दिमाग का था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह क्रुद्ध हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं समझते हो कि मैं कौन और क्या हूं। ही शाउटेड, ऐसा वह चिल्लाया, ग्रिफिन चिल्लाया, वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं दिखाता हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बॉन्डेज विस्कर्स स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। तो अचानक उसने पट्टियाँ, विस्कर्स गलमुच्छे, स्पेक्टिकल चश्मे एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि नाक जो नकली लगा के रखा था उसको फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ऐसा करने में उसको केवल 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार फाउंड देमसेल्फ्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। तो जो भयभीत लोग थे बार में बैठे, जो भयभीत लोग थे, फाउंड देमसेल्फ्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। तो उन्होंने उस भय बिना सिर वाले आदमी को देखकर स्टेयरिंग घूर घूर कर देखने लगे, एकटक देखने लगे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, मिस्टर जेफर्स जो सिपाही था अब आ पहुंचा है।
एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट, और यह पाकर उसको बिल्कुल आश्चर्य है कि ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसको एक आदमी, ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जो बिना सिर के हो। बट जेफर्स वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर्स आसानी से अपने ड्यूटी से विमुख होने वाला व्यक्ति नहीं था। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर अ पर्सन्स अरेस्ट, यदि किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला हो, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही था, विथ और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिस वैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट्स आफ्टर एनदर। वहाँ एक अजीब दृश्य हुआ जब सिपाही ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की जो ज्यों ज्यों अपने कपड़े उतारता था, वस्त्र को उतारता जाता था, त्यों त्यों ही वह अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली अंततः अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंततः एक कमीज हवा में उछली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन, और कांस्टेबल सिपाही अपने आप को पाया, ऐसा पाया जैसे कोई उससे स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो, लड़ाई के लिए लड़ रहा हो। ही कुड नॉट सी एट ऑल, लेकिन उसको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था कि कौन उससे लड़ रहा है। बट फाउंड देमसेल्फ्स हिट बाय ब्लोस दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नाउवेयर, लेकिन उन्हें भी मुक्कों की मार सहनी पड़ी, उनको पता नहीं चल रहा था कि मुक्के कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड, अंत में जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अंत में जेफर्स ने अब अदृश्य वैज्ञानिक को काबू में करने की अंतिम प्रयास को किया, लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने के लिए, उसको काबू में करने के लिए पूरा प्रयास किया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइस ऑफ होल्ड, होल्ड हिम, होल्ड हिम, तो कहा कि घबराहट भरी तथा उत्तेजित चीख की आवाज वहां सुनाई दी, उसे पकड़ लो, उसे पकड़ लो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन यह कहना आसान था करने की तुलना में, यह करना उतना आसान नहीं था जितना कि कहना आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को भी पता नहीं था कि वो जो घूंसे पड़ रहे हैं, ब्लोस पड़ रहे हैं, मुँहके पड़ रहे हैं, हाथ पड़ रहे हैं, वो किधर से आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। एच जी वेल्स का ये चैप्टर पूरा हो गया। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में पढ़िए।